गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पांडे पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज फिर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ। आशा है आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे। निश्चित तौर पे अभी तक किसी भी देश ने और दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने इसकी किसी तरीके की कोई वैक्सीन कोरोना की नई खोज निकाली है। अब समस्या ये होती है कि हमको इस बीमारी से लड़ना है, हमको हार भी नहीं माननी, अपने वर्क भी करने हैं, काम भी करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है। ये 55 दिन है, 56 डेज ही कंटिन्यूअसली पूरा देश लॉकडाउन है। अब इस लॉकडाउन से हमको ओवरकम होना है, आगे निकलना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जरूरी ये है कि हमको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी और उन सावधानियों की बदौलत ही हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। अब सावधानियां कैसे, जैसे सरकार कई तरीके की गाइडलाइन जारी कर रही है, ठीक, नए लोग नए इश्यूज पे बात कर रही है, गवर्नमेंट हर दिन एक नया आइडिया लेके आ रही है हमारे लिए और आपके लिए। तो हमने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। आज जो हम बात आपसे कर रहे हैं, आपसे हम ये कह रहे हैं कि आपको जब तक आवश्यकता ना हो, जब तक जरूरी ना हो, जब तक महत्वपूर्ण ना हो घर से निकलना, तब तक आप बिल्कुल घर से निकलिए। बिना वजह आप बिल्कुल किसी तरीके से घर से ना निकले। और यदि आपको घर से निकलना जरूरी है तो मास्क लगा के अवश्य निकले। घर से बाहर जब भी जाए मास्क लगाए। अब मास्क लगाने के फायदे क्या है, आपने जैन गुरुओं को देखा होगा, जैन गुरुओं को जो जैन धर्म गुरु होते हैं वो हमेशा मुंह में बांधे रहते हैं। क्यों बांधे रहते हैं भाई? उसका बांधने का कारण यह है, एक बहुत शाकाहारी धर्म है वो समाज, उनका मानना ये होता है कि हमारे मुंह में कोई कीड़ा मकोड़ा मच्छी मक्खर मच्छर कभी अंदर ना जाए, इसलिए वो ऐसा किया जाता है। और आपको ऐसा क्यों करना है? आपको ऐसा करना है क्योंकि आपके अंदर कोई वायरस नहीं है, क्योंकि आप पता नहीं आप किसी से मिल रहे हो, उसको ये कोविड के लक्षण है नहीं है, क्या है कैसा नहीं है, तो इन सारी चीजों से आपको बचना है, अपने आपको सेव रखना है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, आपको अपने आप को बचा के रखना होगा, ठीक। आइए हम बात करते हैं टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे आपसे एडवांस स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी, सांख्यिकीय निर्णय सिद्धांत, यूनिट कितने हमारी, ठीक। इस पे हम लोग बात करेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सांख्यिकीय निर्णय की, उन पे हमको बात करनी है। दो चीजें हम बात करेंगे, पहले बात करते हैं स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, आप सबके लिए। विषय महत्वपूर्ण क्यों है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप एक सीधे आते हैं एग्जांपल से आपसे बात करते हैं, आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, ठीक है, जब ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हो एडमिशन, तो वहां पे ढेर सारे आपके पास विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से सबसे बेहतर कॉलेज आप चुनते हो। सपोज रीवा के कॉलेजेस में आप एंट्री पॉइंट को चुनते हो क्योंकि आपको पता होता है कि ये सबसे बेहतर कॉलेज है, यहाँ की एजुकेशन बढ़िया है, यहाँ के एनवायरनमेंट बढ़िया है, चुनते हो आप कि नहीं चुनते हो, ठीक है। जब आप चुनते हो तो आपके दिमाग में ये रहता है ना कि दिस इज अ गुड कॉलेज, दे कैन गिव द गुड एनवायरनमेंट इन अवर सोसाइटी, इन अवर दे गुड द गुड कल्चर, दैट्स अ रीजन यू चूज इन ऑनलाइन। Here the, this is the meaning of statistical decision theory. They can give कि हम सबसे बेहतर विकल्प चुने, सर्वोत्तम विकल्प, हम सबसे अच्छा विकल्प चुने, हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हैं, उन ढेर सारे ऑप्शन में हम एक सबसे बेहतर विकल्प चुनने की कोशिश करते हैं, जिसे हम statistical decision theory कहते हैं, सांख्यिकीय निर्णय सिद्धांत कहते हैं। उन सारी चीजों में जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छा हो, सबसे ज्यादा उपयोगी हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसे हम चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं, उसे हम चुनते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, सबसे बेहतर हो, सबसे ज्यादा उपयोगी हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी, सांख्यिकीय निर्णय सिद्धांत कहते हैं। अब बात करते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन, डिसीजन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिसीजन बात करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी क्या है, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना, दिए गए विकल्पों में
कहलाता है? स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी। जो भी हमारे पास विकल्प होंगे उन विकल्पों में यदि हम सबसे बेहतर विकल्प चुनने की कोशिश करेंगे तो वो सबसे बेहतर विकल्प हमारा क्या होगा? स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी होगा। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आज हम उसी की बात करेंगे, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन। डिसीजन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? डिसीजन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है निश्चित उद्देश्य। इसके जो एम है, जो उद्देश्य है, वो फिक्स्ड है, निश्चित है। क्या है? फिक्स्ड है, निश्चित है। यानी निश्चित क्या है? हमारे पास कितने विकल्प हैं, इन विकल्पों में से ही हमको सबसे बेहतर विकल्प हमको चुनना है, इन विकल्पों में से ही हमको सबसे अच्छा चुनना है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित उद्देश्य, फिक्स्ड एम कहते हैं उसे। फिर विकल्पों और क्रियाओं की जानकारी, ये स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी हमको विकल्पों के बारे में भी जानकारी देता है और एक्टिविटीयों के बारे में भी जानकारी देता है कि कैसे विकल्प होंगे और कैसी एक्टिविटीयां होंगी, इस चीज के लिए जानकारी हमको देता है। फिर इफेक्ट ऑफ डिसीजन, डिसीजन का प्रभाव भी पड़ता है, निर्णय का प्रभाव भी, कि ये निर्णय हमारे लिए कितने उपयोगी होंगे। भैया सिंपल है ना, जैसे मैं आपसे स्टार्टिंग में एग्जांपल से बात की, आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपने एडमिशन लिया तो आप क्या सोच के लेते हो कि हमारा फ्यूचर बढ़िया हो, हमारा आगे आने वाला कल बढ़िया हो, हम कल इससे बेहतर कर सके, कल हम बेहतर फाइंडिंग, बेहतर रिजल्ट्स पे बात कर सके, बेहतर आउटपुट हमको मिल सके, ऐसी बात करते हो ना? तो ऐसी बात करने का मतलब क्या होगा? ऐसी बात करने का मतलब ये होता है कि ये हमारे फ्यूचर में भी प्रभावपूर्ण होता है, फ्यूचर में भी इसका प्रभाव होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डिसीजन, डिसीजन का प्रभाव हमारे भविष्य में भी पड़ता है कि आगे आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या होगा, आगे आने वाले समय में हमारा फ्यूचर क्या होगा, आगे आने वाले समय में हमारा रिजल्ट क्या होगा, आगे आने वाले समय में हमको इस रिजल्ट से क्या फायदे और क्या नुकसान की उम्मीद है, इन सारी चीजों पर अपन बात करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, हम इन सारी चीजों पर बात करते हैं और हम इस निर्णय को सुनने समझने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में क्या उम्मीदें हैं, कैसा कुछ बेहतर होने की उम्मीद है, ये भी हम पता करने की कोशिश करते हैं। फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पे ऑफ। यानी स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी से सांख्यिकीय निर्णय सिद्धांत से हमको प्राप्त क्या होता है, मिलता क्या है, इस पे आप बात करते हैं। तो इस पे आप क्या बात करते हैं कि सांख्यिकीय निर्णय सिद्धांत हमें कुछ बेहतर की बात करता है, हमारे लिए कुछ बेहतर हो, हमारे लिए कुछ अच्छा हो, हम अच्छे रिजल्ट्स पे बात करें, हम कुछ अच्छा कर सकें, इस पे बात करता है। ये इसका क्या कहलाता है? पे ऑफ कहलाता है। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? पे ऑफ, कि हम स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी से कैसे कुछ बेहतर कर सकें और कैसे हम उपयोगी निर्णय ले सकें, कैसे हम बेहतर काम कर सकें, कैसे हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकें। तो ये जो बातें होती है ना, ये क्या होती है? स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी सांख्यिकीय निर्णय सिद्धांत में ये पॉइंट्स हमको देखने होते हैं। ठीक, अब हम फिर से रिवाइज करें, रिबूट करें इस टॉपिक को, हम देखें तो स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी का क्या मतलब होता है। स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी का मतलब होता है सर्वोत्तम विकल्पों में से एक बेहतर विकल्पों में एक सर्वोत्तम विकल्प चुनना, सर्वोत्तम निर्णय लेना। जो हमारे पास विकल्प है उन विकल्पों में बेहतर निर्णय लेना ही स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी कहलाता है, कि हम कुछ बेहतर कर सकें, हम बेहतर फाइंडिंग कर सकें, हम कुछ अच्छा पा सकें, कुछ अच्छा निर्णय ले सकें, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकें। इसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी कहते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी क्या है और स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किन विशेषताओं में वो वर्क करता है। ठीक है, आप सभी को इस टॉपिक को देखना है, इस लेक्चर को। यदि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई ऐसा डाउट है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपको यदि किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लगता है कि आपके लिए नया है, तो आप हमसे निर्धारित समय में पूछ सकते हैं। ठीक, और आपको जरूरी यह है, महत्वपूर्ण ये है कि आपको जो भी बताया जाए, जो भी समझाया जाए, इसलिए आज हमने आपको PDF भी दिया है, उस PDF को आपको पढ़ना है। यदि आपको लगता है कहीं कहीं कुछ सर ये कैसा हो गया, कहाँ से हो गया, नया आ गया, कहाँ से हो गया, कैसा गया, तो आप ये सारी चीज़ें हमसे निर्धारित समय में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको कोशिश करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ना है। यदि आप पढ़ेंगे तभी कुछ बेहतर होगा, यदि नहीं पढ़ेंगे तो कुछ बेहतर नहीं होगा। तो आपको यदि कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। धन्यवाद।